फकीर से अरब पति बनते चले गए और जो उनसे छोटे थे वो करोड़पति बनते चले गए। पहले डबलिंग हो रही है, आप हिसाब देख ले। ये भी एक घर है प्लेटफॉर्म के अंदर जिसके ऊपर दो आदमी को खड्डा चल रहा है, तो कोर्ट में केस कर रहा है, वो ताला लगा के चले गए। वो फाइल बनी कैसे? जब एनओसी वहां से ली जाती है, पेमेंट बंदा करता है तो वो क्लियर करके करता है ना। वो कैसे मामला ऐसे बाहर निकल गए कि वो बेचारा रुल रहा है गरीब आदमी जिसने पेमेंट करी थी। ऐसे बहुत सारे मामला थे जो ब्लॉक थ्री के अंदर है, ब्लॉक फोर में, ब्लॉक वन में। हमें उलझा दिया गया इन चीजों के अंदर कि आप जब मुर्तजा भाई से बात करो कि बिजली के मामला कहां पहुंचे, वो बोले फहीम भाई ये हमें पेमेंट नहीं देते, इन्होंने हमें पेमेंट दी नहीं। अब जब कल मोहतरमा यहाँ आके बैठी तो उन्होंने ये बात उनके मुंह पे भी बोली कि आप हमें पेमेंट दें, हम ये काम को आगे तक मिल तक पहुंचाएं। ये ऐसे नहीं पहुंचाएंगे, इनके पीछे दौड़ना पड़ेगा और इतना दौड़ा दौड़ा के इनको थका दो कि ये मजबूर हो के इस साइड ऑफिस में घुटने के बल आके आपके सामने बैठे। आप सब एक ताकत हो जाओ, एक जान हो जाओ। केस के लिए पूरे एक साल से लॉलीपॉप दिया जा रहा था, वो डेट पे डेट दिए जा रहे थे, बोलकर आपको एक टॉप कर रही थी। केतरी से दो पानी के कनेक्शन, जिस पानी के लिए आप तरस रहे हैं उसकी एक मेन लाइन मेन रोड से गुजर रही है और हम इस तरीके से तरस रहे कि जैसे कोई करबला के वाकया दिया चलते हो। ब्लॉक थ्री वालों को बोला जाता है ब्लॉक फोर रोक लेता है, ब्लॉक फोर वालों को बोला जाता है ब्लॉक सिक्स पानी रोक लेता है। आप ये घूम फिर के देखे और हमने इस बारे में आप आगे कोशिश हो रही है कि ब्लॉक थ्री से पानी की मत के अंदर एक 30 रूप की कमेटी बनाएंगे जो पानी के मामले देखेंगे कि पानी कहाँ चल रहा है, कहाँ तक जा रहा है। ऐसी ब्लॉक फोर से बनेगी, ऐसी ब्लॉक सिक्स से बनेगी। पानी भरपूर चल रहा है मगर पानी लोगों के घरों में नहीं जा रहा बल्कि किस जेबों में जा रहा है, वो सारा जा रहा है प्लॉटों में, पानी उतर रहा है। आप अभी चल के देखें कहाँ जाके उतर रहा है। ये सारे मिली भगत से काम हो रहा है, ये वेलफेयर ऑफिस, ये साइड ऑफिस जो है ये आपकी सहूलत के लिए, मगर ये 12 बजे 1 बजे से पहले नहीं खुलता। जब ये 1 बजे से पहले नहीं खुलेगा तो ये आपको सहूलत भी नहीं दे सकता। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस साइड ऑफिस पे कनिष्ठ के लोग बैठे जो इनके अटेंडेंस भी चेक करें और इनसे मामला भी चलवाएं। 15 लोग आपकी पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं, किसी ने आज तक ये सोचा ही नहीं कि ये 15 लोग हमारे पैसों से ले रहे हैं तो उनसे काम भी तो ले। अगर आप यूनियन बहुत एक्शन में और ये आवाम जो ये पब्लिक खड़ी हुई है इस बात के सबूत है कि ये सब चाहते हैं कि यहाँ पर सहूलत दे और वेलफेयर इंशाल्लाह सिलेंडर आ गया। आने वाले तमाम सुरक्षा एहतजाज को रेल ऑनर यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से खुशामदीद की जाती है और तमाम रहायशियों से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द एहतजाज की जगह पर तशरीफ ले आए ताकि एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाए। इन चोरों इन करप्ट अनासिर के खिलाफ जो आप तमाम एरिया ने कनिष्ठ से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द फाइट ऑफिस में तशरीफ ले आए ताकि एहतियात का सिलसिला शुरू किया जाए। हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज किया जाए। आप तमाम एरिया ने कनिष्ठ से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द साइट ऑफिस में तशरीफ ले आए ताकि चोरों इन करप्ट लुटेरों के खिलाफ एहतजाज किया जाए। जिन लोगों ने इस सोसाइटी को बहुत पत्थर बना दिया है, हमारी तमाम दुनिया चोर है, नहीं सबका हिसाब दो, कानून सबका हिसाब दो, कानून सबका हिसाब दो। अब जनाब अहलियाना मोहल्ला से भी मेरी दरख्वास्त है
अगर किसी साहब के मन में किसी शख्स के मन में है कोई बात करना चाहता है तो वो यहाँ आके पुलिस में ज्यादा तगाम दे हजारों इलाजा की तरफ से हम लोगों की तरफ से। 1972 की सोसाइटी है, इधर कोई बुनियादी सहूलत हमें फराहम नहीं की गई, हमसे ड्यूज सारे ले लिए गए, गैस के मद में तकरीबन 100% ड्यूज तमाम इलाटी से ले लिए गए, लेकिन किसी किस्म की कोई बुनियादी सहूलत हमें फराहम नहीं की गई। यहाँ के तमाम एमिनिटी प्लॉट्स इन्होंने बेचकर और हमारे ड्यूज के पैसों से इन्होंने स्कीम 33 में जगह खरीदी और वहाँ पर इन्होंने हॉस्पिटल अभी इन्होंने हाल ही में बेचा 17 करोड़ रुपए का, वो तमाम अमाउंट इनके पास है। हमारी हुक्कामी वाला से गुजारिश है कि खुदारा हमें इंसाफ फराहम किया जाए, हमें फंडामेंटल नीड्स जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है गैस पानी बिजली वो हमें फराहम की जाए। हमारी हुक्कामी वाला से गुजारिश है कि इन चोरों का एहतसाब किया जाए, इन लुटेरों का एहतसाब किया जाए।